Student, I am Isma, teacher from Paras University School. Today I am going to teach you subject English Grammar Assignment Learning Standard 1. आपने उन्हें देखा था यहाँ तक के पेज नंबर 65 तक आप अपने देखेंगे पेज नंबर 66 वहाँ से देखेंगे पेज नंबर 66 से देखेंगे और स्टार्ट करते हैं चिल्ड्रन इंग्लिश ग्रामर क्या है चिल्ड्रंस इंग्लिश ग्रामर क्वेश्चन नंबर 5 बी जॉइन द सेंटेंस अगेन द राइट पिक्चर्स टू कैट्स हैं उनकी लड़ाई हो रही है केक के लिए तो उसका सेंटेंस है पहले मैं दिया है ही क्लाइम्ड डाउन द ट्री एंड वेंट टू देम He should be quiet. Don't fight. I will make two equal pieces of the cake and give on the piece to each of. Two cats share a cake and jumped it. Two cats share cake and jumped at it each. On share, this is my cake. आई विल ईट यानी ये मेरा केक है यानी मेरे को खाना है ऐसे लड़ रही है टू कैट्स अ मंकी वॉज सिटिंग ऑन अ ट्री मंकी एक ट्री पे साया सिटिंग ट्री ही शेयर द टू कैट्स फाइटिंग फॉर द केक दो की फाइटिंग देख के आया ही हेल्ड हर ओन पीस इन ईच हैंड Then he said, Oh, this piece are bigger than the other piece. I must give you equal pieces. Then the monkey equal packet of the cake and made two parts. फिर यहाँ पर दिया आपको पहले स्टोरी पढ़ के बना रही हूँ Again he said, Oh no, now these other pieces is is bigger and he took a bite from the other pieces he went on doing it he took a bite from the bigger pieces then the monkey equal climbed up the tree and the cats were left with nothing at last only a small piece of the cake was left he hopped it into the mouth and said, This is my fee for my service to you. दो की लड़ाई में हमेशा क्या होता है तीसरे का भला हो गया तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही है तो देखो पहले वाले का आंसर ये रहा बी वाला है क्या है इसमें दिया है टू कैट्स आके जंप टू ईट यानी लड़ रहे थे ईच ऑन सेड This is my cake, I will eat. और टू नंबर का यहाँ से मैचिंग होगा On a monkey was sitting on a tree. He said the two cats fighting for the cake. फिर थ्री नंबर का आंसर यहाँ से मैच होगा He climbed down the tree, went to them. He said to be quiet. Don't fight, I will make two equal pieces of the cake and give one piece to each of you. यहाँ पर है फोर नंबर का यहाँ से मैचिंग होगा He held on pieces in each hand. Then he said, Oh, the pieces is bigger than the other pieces. I must give you equal pieces. फिर ये फाइव नंबर का यहाँ से मैचिंग होगा इधर ही तो है धैन द मंकी क्विकली पैकेट अप द केक एंड मेड टू पार्ट्स क्या है धैन द मंकी इक्वल पैकेट अप द केक एंड मेड टू पार्ट्स सिक्स नंबर का ये है So he took a bite from the bigger pieces. सेवन नंबर का ये आंसर है तो इसको यहाँ से मैचिंग करेंगे अगेन ही शेड ओ नो नाउ
these other pieces is bigger and he took a bite from the other pieces. He went on doing it. फिर 8 नंबर का यहाँ से मैचिंग करेंगे तो 8 लास्ट ओनली अ स्मॉल पीसीज ऑफ द केक वॉज लेफ्ट ही पॉपड इट इन टू हिज माउथ एंड शेड दिस इज माई फी फॉर माई सर्विस टू यू. यानी ये बोल रहा है मेरी सर्विस पूरी हो गई. धैन द मंकी क्वाइट क्लैम्ड अप. यानी सूरा केक खत्म कर देता है. द ट्री एंड द कैट्स वेर लेफ्ट विथ नथिंग. यहाँ पे है दो बिल्ली केक के लिए लड़ाई होती है. तो देखो ये है ना केक, ये दोनों बिल्ली लड़ रही है तो कौन देख रहा है, मंकी देख रहा है. फिर मंकी ट्री पे से आता है, नीचे सिटिंग कर रहा है, बैठता है, दोनों बिल्ली को आजू बाजू बिठाता है, कैट्स को बीच में केक रखता है. और मंकी पहले बोलता है मैं आधा हिस्सा करता हूँ, आधा आधा हिस्सा करता हूँ. फिर बोलता है थोड़ा खाता है, फिर बोलता है थोड़ा आधा इक्वल इक्वल करते करते क्या करता है मंकी, थोड़ा बोले मैं थोड़ा तुम्हारे में से खाता हूँ, थोड़ा तुम्हारे अंदर से, और छेले में इतना सा पीसेस बचता है. तो क्या करता है सारा मंकी खा जाता है और दोनों बिल्लियाँ देखती रहती है और मंकी ट्री पे चढ़ जाता है. यानी दो इंसान की लड़ाई में हमेशा तीसरे का फायदा, इसलिए दोनों कैट्स को चुपचाप से खा लिया होता तो अभी मंकी का फायदा नहीं होता. अब यहाँ पे है टॉर्टॉइस के है और शायद टॉर्टॉइस की स्टोरी है. किसकी स्टोरी है, टॉर्टॉइस की. पहले पढ़ेंगे उसके बाद मैचिंग करेंगे. दिख रहा है आपको टॉर्टॉइस, तो पहले पढ़ेंगे द रेस स्टार्ट. रेस क्या हो रही, स्टार्ट हो रही, स्टार्ट हो रही. चलो रेस लगाते, बच्चे अक्सर बोलते चलो रेस लगाते. द हेयर रन फॉर हर रन फॉर सून ही वॉज फेयर अहेड अहिट ऑफ द टॉर्टॉइस. ही थ्राउड I smell shit under a tree and wait for the tortoise. A tortoise always moved slowly, यानी हमेशा slowly चलता है. A her often hit at the slow tortoise. A her always run fast. One day the tortoise challenged the her to run refer with him. Fire the her work up. After some time he saw the tortoise crossing the wing. Post the her lost the race. So the her sat under a tree. The tortoise was still fell behind. After some time the her feel fat or sleep. आपने ये वाली कहानी तो सुनी होगी. एक होता है टॉर्टॉइज और होता है ससलू, यानी टॉर्टॉइज कछुआ और रैबिट, दोनों की कहानी आपने सुनी होगी. हमेशा टॉर्टॉइज कैसा रहता है, हमेशा स्लोली चलता है. कैसा चलता है, हमेशा स्लोली. और रैबिट कैसा दौड़ता है, तो उन्होंने सोच के यानी रैबिट ने सोचा दोनों की रेस लगती है, तो दोनों ने बोला चलो रेस लगाते यहाँ पर कौन पहुँचता. तो रैबिट ने सोचा कि कछुआ तो बहुत धीरे धीरे चलता है, हमेशा स्लोली चलता है. तो रैबिट ने सोचा मैं एक झाड़ के नीचे आराम करता हूँ, यानी क्या करता हूँ आराम करता हूँ, वहाँ तक टॉर्टोइस को आने में आराम कर लूँगा. वैसे कूद कूद के चलता है, तो इसने सोचा रैबिट में वहाँ तक आराम से आराम कर लूँगा, वहाँ तक के ये यहाँ कछुआ धीमे धीमे चलेगा. पर लेकिन ऐसा नहीं हुआ, ससला सोता रह गया और टॉर्टोइस विनर हो गया. क्या हो गया, विन हो गया. इसके लिए कभी किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना चाहिए. देखो हमेशा किसी से चैलेंज नहीं करना चाहिए. तो 2 नंबर का आंसर यहाँ पे मैचिंग करेंगे तो यहाँ पे आएगा और टॉर्टोइस ऑलवेज मूव्ड स्लोली हर ऑफ्टन लाफ्ड एट द स्लो टॉर्टोइस. और 2 नंबर का यहाँ से मैचिंग होएगा तो हर ऑलवेज रन फास्ट, यानी हमेशा रैबिट रन फास्ट. वन डे अ टॉर्टोइस चैलेंज हुआ था द हर टू रन
और रेस भी थी, दोनों ने रेस लगाई थी। क्या करी थी? दोनों ने बोला था चलो रेस लगाते हैं। रेस का यहाँ से मैचिंग हुआ। अब 3 नंबर का यहाँ पे से यहाँ पे मैचिंग करेंगे। तो द रेस स्टार्ट करी, द रेस स्टार्ट, द हर रन फॉर सून, ही वॉज हर अहेड ऑफ द टर्टल्स, ही ट्राउड आई स्लैम शिट अंडर अ ट्री एंड वेट फॉर द टर्टल्स। यहाँ पे मैचिंग हो गया। अब 4 नंबर का यहाँ पे मैचिंग होगा। शो द, यहाँ से इसको यहाँ से मैचिंग करेंगे। शो द हर शेड अंडर अ ट्री, द टर्टल्स वॉज स्टिल फेयर बिहाइंड, आफ्टर सम टाइम द हेयर फील फास्ट स्लीप, यानी मैं थोड़ी देर सो जाता हूँ वहाँ तक कछुआ धीमे धीमे आएगा। फिर है द हर वर्क अप, आफ्टर सम टाइम ही श्रेड द टर्टल्स क्रॉस इन द विंग पॉट्स, द हर लॉस्ट द रेस, यानी हमें विन कौन हो जाता है, रैबिट देखते रह जाता है, टर्टल क्रॉस करके विनर हो जाता है। 3 नंबर में है, 3 नंबर में दिया है यहाँ पे क्रो की है। पता है हम वो क्रो जो प्यासा कौवे के बारे में जो स्टोरी है, वो वाली स्टोरी है। देखो गर्मी के समर के दिन होते तो अपने पहले स्टार्ट करते हैं। एट लास्ट स्वे द जग ऑफ वाटर इन द गार्डन, there was a little water at the bottom of the jug, he could not reach to the water, suddenly an idea came to his mind, he picked up stones, yani patthar, one by one from the ground and dropped them into the jug. इट वॉज हॉट डे, हॉट यानी गर्मी के दिन को हॉट बोलते हैं। अ क्रो वॉज वेरी ट्रस्टी, ही फ्लाई फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस इन सर्च फॉर वाटर, यानी सर्च या उसको पानी की तलाश, यानी सर्च था वाटर, बट देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर एनी वेयर, he crawled happily and flew away. Happy हो गया, पानी पी लेगा तो happily उड़ जाएगा ना। The water started coming up, the crow could reach it easily, he drank the water. Easily वो क्या करता है, drink पी लेता है, जब पत्थर डालता है तो पानी ऊपर आने लगता है। तो ये वाली स्टोरी ऐसी है, समर के दिन होते हैं तो कौवा क्या है, बहुत प्यासा है, क्या है कौवा, बहुत प्यासा घूमता रहता है गर्मी के दिन, फिर उसको क्या होती है, वाटर की तलाश होती है, तो उससे क्या दिखता है, एक कूड़ा दिखता है इसमें थोड़ा सा पानी रहता है, तो वो क्या करता है, जंगल में जाके छोटे छोटे ड्रॉप्स पत्थर ढूंढ के लेके आता है। उसके बाद वो जब पत्थर ढूंढ के लेके आता है तो एक एक पत्थर करके अपनी चोंच से अपने कूड़े में पानी के उसमें डालता है, तो पानी क्या होता है, ऊपर आने लगता है, ऊपर आने लगता है, तो क्या करता है, जब पानी का पत्थर नीचे डालेगा तो पानी ऊपर आने लगता है, तो वो पानी पी लेता है, फिर क्या करता है, वो हैप्पीली उड़ जाता है पानी पी के, प्यासा कौवा, वो वाली उसकी स्टोरी है। तो देखो पहले वाले को यहाँ से मैचिंग करेंगे। देखो पहले वाले का यहाँ पे है, तो इट वॉज अ हॉट डे, यानी गर्मी के दिन, अ क्रो वॉज वेरी ट्रस्टी, यानी प्यासा, ही फ्लाई फ्रॉम द प्लेस टू प्लेस सर्च ऑफ द वन, गांव से गांव, दूर से दूर क्या करता है, वो पानी की सर्च करता घूम रहा था, बट देयर वॉज नॉट अ ड्रॉप ऑफ वाटर एनी वेयर, उसको कहीं भी पानी दिखाई दिया नहीं। अब यहाँ पे है 2 नंबर का ये रहा। फिर सडनली एन आइडिया कम टू, यानी उसको एक सडनली आइडिया आया माइंड में, क्या है सडनली एन आइडिया कम टू हिज माइंड, ही पिकड अप स्टोन, यानी उसने वो स्टोन को पिकअप करे, ऑन डे वन बाय वन फ्रॉम द ग्राउंड एंड ड्रॉप इट देम इन टू द जग, उसने ड्रॉप टू ड्रॉप जग में डाले। फिर 3 नंबर का यहाँ से, 3 नंबर को यहाँ से, तो एट लास्ट
He swayed a jug of water in a garden. क्या था वॉट यानी डाला उसने जग के अंदर लार्ज स्वे जग में वो ड्रॉप डाले देयर वॉज अ लिटल वाटर एट द बॉटम वाटर वाटर जो नीचे बॉटम में था ऊपर आधा जग वेयर एट द बॉटम ऑफ द जग ही कुड नॉट रिसर्च टू द वाटर फिर यहाँ पे है फोन नंबर का इसका यहाँ से मैचिंग करेंगे तो द वाटर स्टार्टेड कमिंग अप द वाटर स्टार्टेड कमिंग अप द क्रो कुड रीच इट इजिली ही ड्रिंक द वाटर उसने इजिली क्या करा जब पानी ऊपर आया तो इजिली क्या कर लिया वाटर पी लिया और उसकी प्यास बुझ गई ही यहाँ वाला ये रहा ही क्राउड हैप्पीली इन फ्लाई अवे यानी वो हैप्पी हैप्पी फ्लाई अवे यानी वो उड़ गया हैप्पीली तो अपने बता दूँ अपने कहाँ से और कितना कितना क्या क्या देखा एक बार ये था अपना जर्नल इंग्लिश का असाइनमेंट था सिलेबस यूनिट 1, 2, 4, 6, 8, 11, 2, 1, 5, 15, 1, 7, 17, 1, 8, 18, 2, 0, 20, 2, 2, 22, 2, 9, 29, 3, 0, 13, 3, 6, 33, 6, 38, 38, 4, 2, 42, 4, 4, 5, 41. Question number 1 में look at the picture, give blow and the variety ruler है और from the following तो यूनिट 1 से 4 का था तो यहाँ पे सिमिलर रूलर वन था और मोर देन वन एन एप्पल तो एप्पल्स एन ऑरेंज तो ऑरेंज यहाँ पे तो अ बनाना तो बनानास अ कैट तो कैट्स अ लेग तो लेग्स अ सॉक तो सॉक्स अ बैट बैट्स अ पेंसिल तो पेंसिल्स नाइन नंबर में अ लोटस तो लोटस अ ग्लास ग्लासेस अ हेड हेड अ पेन पेन एन अम्ब्रेला अम्ब्रेला और फ्रेंड्स फ्रेंड्स था फिर एन ईयर तो ईयर्स और टॉप तो टॉप्स अ कैमल तो कैमल अ हाउस तो हाउस अ गर्ल तो गर्ल्स अ टॉप टॉप अ प्लेस तो प्लेस फिर द क्वेश्चन नंबर बी था फिलिंग द मिसिंग वर्ड चूज फ्रॉम द वर्ड्स था तो यूनिट एट का था आई एम अ बर्ड आई लिव इन नेस्ट आई एम अ शीप आई गिव योर वूल I am a trailer, I stitch cloth. I am a hen, I live in crop, wheat by chicks. I am a teacher, I teach children. 6 number mein I am a baker, I make bread and cake. 7 number I am a potter, I make pots and plants. Pitha, 2 number mein I am a horse, I live in stubble. I am a cobbler, I make shoes. I am a lion, I am the king of the jungle. I am a washerman, I wash cloth of the people. I am a cow, I live in a shed. I am a camel, I am the sheep of the district. I am a tree, I give you fruits and wood. फिर यहाँ पर ऐसे fill in the blank थी इसको complete करना था यहाँ पे भी look at the picture, write the sentence, choose answer तो यहाँ पे बताना था ये है एक बार example देख लो the teacher says this is a flower the sink says this is a bed the woman says this is a necklace this the girl says this is a ball unit 7 में था the man says this is a head the boy says this is a watch that the टीचर सेज दिस इज एन एप्पल द बॉय सेज दिस इज ए ट्री फिर यहाँ पे भी इस तरह से था फिर यहाँ पे था फॉलोइंग यानी बताना था कौन सा डे कब आता है इस तरह से यहाँ पे बताना था कि ये व्हाट इज दिस ये क्या है इट इज अ मंकी इट इज अ फॉक्स इस तरह से था यहाँ पे स्टेप्स नेम थे यहाँ पे इंट्रोडक्शन था फिर यहाँ पर भी आई सब नेम थे इस तरह से था ये क्या है तो दिस द एग आर इन अ नेस्ट ऐसे फिर यहाँ पे था द चिल्ड्रन आर प्लेइंग यहाँ पे बताना था वराइट द नेम पेयर्स अगेन पिक्चर तो ये मोबाइल फोन एंड चार्जर इस तरह से यहाँ पे भी दिस इज अ लॉक दिस आर क्लॉक वन मोर देन वन था
अब यहाँ पे कलर्स नेम्ड है इंडिगो, येलो, वाइट, रेड, ब्लू, ब्राउन, ऑरेंज, वॉलेट, ब्लैक, इस तरह से यहाँ पे बताया. इट इज अ चेयर, तो यस इट इज अ चेयर. इट इज टॉप, तो नो इट इज नॉट टॉप, इज अ काइट. इस तरह से यहाँ पे आपका कंप्लीट होता है असाइनमेंट, ठीक है, इंग्लिश ग्रामर का. थैंक यू चिल्ड्रन एंड वॉचिंग वीडियो.